बर्नी सेना ने फूंका चीनी राष्ट्रपति का पुतला। चीन द्वारा भारत पर किए गए हमले के विरोध स्वरूप आज कर्णी सेना द्वारा पेटलाबाद नगर में चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही हमले में शहीद हुए जवानों को मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग की है। दरअसल कर्णी सेना द्वारा आज पेटलाबाद में चीन का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही उन्होंने भारत के शहीद हुए वीर जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कर्णी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस तरह से चीन देश के द्वारा कायरतापूर्वक हिंदुस्तान के जवानों पर हमला किया है, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया जा रहा है। हम चाइना के समस्त सामानों का बहिष्कार भी करते हैं। इसी के साथ हमारी मांग है कि फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि मामला आत्महत्या ना होकर हत्या का है। मामले में कई बड़े फिल्म कलाकार सलमान खान, करण जौहर जैसे लोगों का हाथ है, जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। जिसको लेकर कर्णी सेना द्वारा पुतला दहन के बाद तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। पुतला जलाया, क्या कुछ मामला है? सबसे पहले हमने जो अभी कुछ दिन पूर्व हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, जो चीन आए दिन गुस्ताखी करता है और भारत की सीमाओं को हत्याना चाहता है, लेकिन हमारे जवान वहां पर तटस्थ रहते हैं और अपनी जान तक देकर भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि देश के सभी लोगों से हमारा ये आह्वान है कि चीनी सामान का बहिष्कार करें, ताकि वह यहाँ से मोटी रकम कमाता भी है, उसके बाद भी हमारे देश की सीमाओं को हत्याना चाहता है। और हम इन देश के जो जवान शहीद हुए इनको श्रद्धांजलि हमने दिए। और सलमान खान का जो मुद्दा है, वो हमारा ये विरोध है कि सलमान खान, करण जौहर और फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो प्रतिभाओं को नकारते हैं और अच्छे कलाकारों को आगे नहीं आने देते हैं और उनका अलग अलग कूटनीति से शोषण किया जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व सुशांत सिंह राजपूत ने जो हत्या की है, वह भी बहुत अच्छा एक कलाकार था जिसने कई फिल्में भी बनाई और लोग भी उसे बहुत लाइक करते थे। तो सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की है, वह आत्महत्या न होकर हत्या है। तो हम इसलिए उच्च स्तर पर मजिस्ट्रियल जांच करवाना चाहते हैं। सरकार से हमारा यही कहना है कि उसकी जो है सीबीआई जांच की जाए, ताकि हत्यारे सामने आए, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनाकर उनके 7-8 फिल्में जो है थी वह भी साइन की हुई थी, उनको भी इन्होंने रिजेक्ट करवा दिए दबाव के कारण। तो हमारा यही कहना है कि इसको जो प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच की जाए। आपका सुनना। जगपाल सिंह राठौर, कर्णी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष।